इस मकान में रह रहे हो, लकड़ी भी लगी है वहां, खदान से लोहा आया है, सारी चीजें भगवान ने आपके लिए बनाई है, लेकिन एक बात वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतने शिष्ट तो बन जाओ कि सुबह शाम धन्यवाद तो कर लिया करो। तो जब आप सिर झुकाकर भगवान के आगे मंदिर में बैठते हैं तो थैंक्स करने का तरीका है आपका कि उसको धन्यवाद करो। और सोचिए, जिसके द्वारा बनाया गया आपके शरीर में दिया हुआ एक पंप है, हार्ट लगातार काम कर रहा है, आप सो भी जाएं तो भी वो हड़ताल नहीं करता, भगवान ना करे किसी का हड़ताल करे, सबका ठीक ठाक चलता रहे, लेकिन हम थैंकफुल होते हैं, धन्यवादी बनते हैं, मेरा शरीर ठीक से काम कर रहा है, मेरा हृदय ठीक से काम कर रहा है, मेरी आंखें ठीक से काम कर रही हैं, मेरे घुटने साथ दे रहे हैं, मुझे जीवन देने के लिए जो तूने जो जो साधन दिए हैं भगवान, सब चीजों के लिए धन्यवाद करता हूं। जिस दिन ये धन्यवाद करोगे और ज्यादा खुशियां जिंदगी में आएगी। तो धन्यवाद करना सीख जाइए और शुरुआत करनी चाहिए सुबह उठते ही, आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं, इस सुंदर शरीर के लिए, सुंदर जीवन के लिए, अच्छे प्यारे परिवार के लिए, अच्छे मित्रों के लिए धन्यवाद करता हूं, और तेरे द्वारा दी गई हर चीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और प्रभु मुझे इस लायक बनाए रखिए कि मैं 100 वर्षों तक आपके सूर्य को देखते हुए धन्यवाद करता रहूं। तच्चक्षुर देव हितम पुरस्ता चुक्रम उच्चरत पश्येम शरदशतम जीवम शरदशतम शुण्याम शरदशतम प्रभ्रवाम शरदशतम अदीना श्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात। 100 वर्षों तक उगते हुए सूरज को देखकर मैं धन्यवाद करता रहूं, सैकड़ों वर्षों तक इस दुनिया में जो आवाजें आ रही हैं, वो ध्वनियां पक्षियों की, वो माधुर्य, उसको सुनते सुनते मैं तेरा धन्यवाद करता रहूं, और 100 वर्षों तक मैं इस दुनिया में कर्म करते हुए और स्वाधीन जिंदगी जीते हुए स्वयं सेवक बन करके जीवन गुजारूं और तेरा धन्यवाद करते हुए जीऊं, और परमात्मा ये भी कृपा कर कि 100 वर्षों तक ठीक ढंग से बोलते रहने की शक्ति भी मेरी बनी रहे और मैं अपनी वाणी के लिए धन्यवाद करता रहूं, और 100 वर्षों तक मेरा जीवन स्वाधीन रहे, मैं किसी के अधीन ना रहूं और मुझे किसी के सहारे और सेवा की जरूरत कभी ना पड़े। भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मैं धन्यवाद करता हूं कि 100 वर्षों तक तेरा धन्यवाद करते हुए जीवन व्यतीत हो। तो सुबह उठकर ये मांगलिक प्रार्थना करनी चाहिए और उसी में फिर भजन गा लें, अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, बोलना चाहिए बैठकर। तो ये हुआ वह को जानो, वह मतलब परमात्मा। दूसरा शब्द हुआ वह को तो मानना है और यह को जानना है। यह क्या है? यह है संसार जो नष्ट होगा, जो छूटेगा, जो संसार दिया गया है प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए और छोड़ने के लिए। इसलिए संसार की हर चीज मिलेगी बिछड़ने के लिए, दी जाएगी वापिस लेने के लिए। तो जो जो दिया गया, तो यहां आते ही इस दुनिया में, इस उपग्रह में, पृथ्वी उपग्रह में जैसे आप प्रवेश करते हैं तो मुट्ठी बंद करके आओगे और बंद मुट्ठी में कह दिया जाता है कि इसी में तुम्हारा ग्रीन कार्ड है, आते ही तुम्हें मिल जाएंगे माँ बाप के द्वारा दिया गया मकान और सुख सुविधा, भोजन पानी, सुरक्षा करने वाले चौकीदार मिल जाएंगे, डॉक्टर भी यही रहेंगे, देख रेख करेंगे। और जैसे माँ बाप दे दिए जाते हैं तो माँ बाप की दौलत बच्चों को मिल जाती है। ये अलग बात है कि बच्चे, खासतौर से हमारे भारतीय बच्चे,
उन्हें आप कुछ भी दीजिए वो एहसान नहीं मानते। माँ बाप कितना भी दे दें वो कहते हैं ये तुम्हारा राइट है, राइट, तुम्हारे घर में पैदा हुए तो जो तुम्हारी चीज है वो तो हमारी है ही, तुमने दे दी तो क्या बड़ा एहसान कर लिया। माँ बाप सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत करके कमा के इनको दिया, कुछ तो एहसान माने। वो क्यों माने भाई, उन्होंने तो पहले ही समझ रखा इनके घर में पैदा हुए तो इनकी हर चीज हमारी। और मजा तो तब जब दादी जी के कड़ों पर, जेवर पर पूरा ध्यान रहता है और बहुएं भी सामने बैठकर कह रही होती हैं पोते पोतियों के लिए क्या दे के जाओगे, किस किस को क्या देना है, अभी से बता दो ना बाद में झगड़ा होता रहेगा। पहले ही नजर है उनकी। और मजे की बात तो यह है वो नजर नजर में तोल भी लेते हैं, इतने ग्राम का तो होगा ही होगा, ये डायमंड है तो इतने का तो होगा ही होगा। और जब बच्चे ज्यादा ही बोलते हैं तो उनकी माँ अलग ले जाके कहती है बुढ़ी कोई छाती पे रख के थोड़ी ले जाएगी, देगी तो सही ना बाद में, क्यों ज्यादा वो करते हो। बड़ी विचित्रता है। इसलिए दुनिया की हर चीज मिली है वापिस देने के लिए, जो भी लिया वो वापिस देना पड़ेगा, जो पाया है लौटाना पड़ेगा। इसलिए हर संयोग के पीछे वियोग है, लेने के पीछे देना है। आए हैं तो जाएंगे भी जरूर, मिले हैं तो बिछड़ेंगे भी जरूर, पाया है तो वापिस लौटाना भी है जरूर। यही है संसार का दस्तूर। तो कितनी देर के लिए मालिक हैं हम? थोड़ी देर के लिए। लेकिन थोड़ी देर की मलकियत में भी ऐसा मूंछों पे तावा देते हैं लोग, मैं मालिक। नंबर गिने आदमी, ये भी दौलत मेरी, ये भी दौलत मेरी, इस मकान पर भी मेरा नाम लिखा है, उस जगह भी मेरा नाम लिखा है, लेकिन वो भूल गया पहले नाम किसी और का लिखा था, आज तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, कल किसी और का नाम लिखा जाएगा। यही दुनिया का दस्तूर है। तो यकीन कर लीजिए कि संसार है नश्वर, परिवर्तनशील। ये जो भी चीजें इस दुनिया में दी गई वो जैसे तुमने यहां आकर पाई ऐसे छोड़कर जाना पड़ेगा। और अगली पीढ़ी बड़ी ताकत के साथ चार्ज लेने के लिए आएगी, तरीका अलग हो सकता है। कोई इमोशनल अत्याचार करके लेगा, रोकर रुलाकर लेगा, कोई खुश करके लेगा, कोई अलग तरीके से लेगा, लेकिन लेगा जरूर। आपका चार्ज दूसरों ने लेना ही लेना है। इसलिए हर सास को बहू को चार्ज देने में ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि देना तो पड़ेगा ही। और आपके पूर्वजों ने परंपरा रखी कि चाबी देने की परंपरा रखी, बहू जैसे ही घर में आती है तो आते ही तीसरे दिन उससे हलवा वगैरह किचन में कुछ बनवाते हैं, और उसी के साथ में सास माता आती है तो एक की चैन चांदी का उसको पकड़ाती है। ज्यादातर की चैन में चाबियां होती ही नहीं, क्योंकि रस्म पूरी की जाती है। सास भी आसानी से कैसे कुर्सी दे दे, की चैन दी जाती है बस, उसमें कोई चाबी वाबी नहीं होती। और उधर बहू भी देख रही होती टेढ़ी आंख से, क्योंकि वो भी जानती है आज नहीं देगी तो आगे देगी। और आजकल की बहुएं तो अपने मायके से ही मास्टर की लेकर आती हैं, अपने आप ताले खुलते हैं। दो ना दो अधिकार तो ले लिया जाएगा, और जहां अधिकार देने में देर होती है लड़ाई झगड़े होते हैं। अब तक मेरे बेटे पर मेरा अधिकार था, अब ये बहू आई है कल की लड़की, कल की छोकरी, और आए और आकर मेरे बच्चे पर अधिकार जमा ले, पहले तो इसी में लड़ाई चलती रहती है।
और किसी किसी घर में ये लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि पति तो सोचता है घर में जाएंगे चाय वाय पी के फिर पत्नी के साथ थोड़ा घूमने जाएंगे, क्योंकि अभी 2-4 महीने ही शादी को हुए हैं। और जैसे घर में आते हैं तो देखता है कि इधर पत्नी उधर माँ लड़के बैठी हुई हैं, दोनों का मुंह सूजा हुआ, दोनों का मुंह फूला हुआ। अब वो सोचता है कि आया था, सर भारी है, चाय वाय पियेंगे, यहां तो इनका सर पहले ही भारी है, अब क्या करें। बेचारे की हालत खराब, क्योंकि अगर पहले माँ को मनाएंगे तो पत्नी बोलेगी अगर माँ इतनी प्यारी थी तो शादी क्यों करी, माँ की गोद में बैठा रहता। और अगर पत्नी को मनाने चले गए तो माँ कहेगी 2 दिन में ही आंख पलट गया, अब तक माँ के इर्द गिर्द घूमता था, अब पत्नी की तरफ जा रहा है, कैसा कलयुग आ गया। अब वो बेचारा क्या करे, उसकी तो हालत वही हो गई, गुरु गोविंद दो वो खड़े काके लागो पाए, किसको पहले मनाए, बड़ी मुश्किल होती बेचारे की। और फिर तो ऐसा होता है कहां तो पहले ही ऑफिस से जल्दी भागकर घर पहुंचता था, अब उसे लगता है थोड़ा देर से ही चलते हैं। त्याग ना चाहते नहीं, लेकिन त्याग कराने वाली ताकत इतनी बड़ी है, किसी के पास भी किसी अधिकार को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। जब तक आपको अधिकार दिया गया है आप उसका प्रयोग कर लीजिए, अगली पीढ़ी आ रही है अधिकार लेने के लिए। यही है संसार परिवर्तनशील, इसलिए छोड़ना पड़ेगा ही, नहीं छोड़ोगे तो दुखी होगे। हर चीज अमानत है परमात्मा की जो उसको लौटानी है, ये जिंदगी भी अमानत है जो उसको वापस लौटानी पड़ेगी, ये देह भी उसकी अमानत है जो यहीं देकर जानी पड़ेगी। आखिर में कुछ भी नहीं रहता, शरीर छूट जाता है ना, तो शरीर के जाते ही कीमती अंगूठियां भी निकाल ली जाएंगी, घड़ियां निकाल ली जाएंगी, बिना सिला कपड़ा पहनाया जाता है आखिर में। और बिना सिला कपड़ा पहनाकर यह कहा जाता है कि हमारी परंपरा है कि कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं जो सिला जाए, बिना सिला कपड़े में शरीर को लपेट के ले जाते हैं, ये बताने के लिए कि जेब वेब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां कुछ ले जा तो नहीं सकते, और जाएगा साथ में तो हमारे धर्म कर्म साथ जाएंगे, पाप की गठरी खुद उठानी है, कितनी भारी है, पुण्य है वो तो अपने आप आपको हल्का करके ले जाएंगे और मुस्कुराहट देते जाएंगे। इसलिए कहते हैं दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो कफन में जेब नहीं होती, किसी भी कफन में कोई जेब नहीं होती, कितना भी कमा लीजिए सब छूट जाएगा यहीं। और जो छोड़ने वाले ले जाने वाले होते हैं ना, उनको भी ये कहा जाता है कि किसी की शादी में शामिल हो या ना हो, लेकिन किसी की आखिरी यात्रा में जरूर जाना, इससे बढ़कर पुण्य दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि उसी समय आदमी को जिंदगी की असलियत समझ में आती है, तब पता लगता है हंसता बोलता वह आदमी कहां चला जाता है, उसका बगीचा खड़ा रह गया, उसका बगीचा, उसका परिवार, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसका खड़ा किया हुआ मकान पीछे खड़ा रह गया, जिस गाड़ी में शान के साथ बैठ के चला करता था वो ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी वहीं खड़ी है, और जिस बिस्तर पर इतना बढ़िया कमरा था, सुना है वहां एक फोटो लगा हुआ मुस्कुराता हुआ, ये था वो आदमी। वो गलियां, शहर, सड़कें सब सुनी हो गई, भीड़ चली जा रही, भीड़ में एक आदमी था
जो आज दुनिया से विदाई ले गया, क्योंकि सब लोगों को दुनिया में भेजता है भगवान तो रिटर्न टिकट देकर भेजता है, ये कहकर कि भाई टिकट तो वापस आने का बना हुआ है, फ्लाइट कब जाएगी ये किसी को पक्का पता नहीं है, लेकिन वापस तो जाएगी। तो यही है संसार, इसे कहा परिवर्तनशील। तो कहते हैं बस एक को मान लो और दूसरे को जान लो, मान लो भगवान को और जान लो संसार को, ये दो बातें हो गई। बस इन दो बातों को समझने की चेष्टा करिए कि संसार समझ में आ जाए आपको। जब तक इस दुनिया में है अपनी मुस्कुराहट बनाए रखो, कर्म योगी बनकर जियो, स्वयं सेवक बनकर रहो, और धरती पर भार मत बनना, किसी रिश्ते में भार मत बनना, किसी के लिए भार मत बनना, एक दूसरे के साथ निभाइए, एक दूसरे के लिए बोझ मत बनना, एक दूसरे के लिए मुसीबत मत बनना। जब तक आप हैं, आपके घर में आपके कारण रौनक होनी चाहिए, अपने घर का दिया बनो या फिर झील में खिले हुए कमल की तरह उसकी शोभा बनो। आप जहां होते हैं एक धार्मिक इंसान, एक भक्त इंसान जहां होता है वो वहां की शोभा बनकर जीता है, वो कमल बनकर खिला करता है, वो वहां का सुंदर फूल बनकर खिला करता है, वो किसी पर भार नहीं होता। तो कांटा नहीं बनना आपको, फूल बनकर जिंदगी जीनी है। जिंदगी के कुछ लम्हे याद बन गए, मिले तो मुलाकात बन गए, बिछड़े तो मीठी याद बन गए, जो दिल से न जाए ऐसी फरियाद बन गए। कुछ न कुछ ऐसा करो जरूर कि अच्छे ढंग से याद किया जा सके, अच्छे ढंग से नाम लिया जा सके कि कोई था बहुत करीब से, सबके अंदर बसकर अपनी यादें छोड़कर चला गया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, कुछ तो रोशनी रखो अपनी यादों की। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की सांझ हो जाएगी, न जाने कब विदाई हो जाए। कुछ तो ऐसा छोड़कर जाओ कि अदब से, आदर से, प्यार से याद किया जाता रहे। तो मानना है दुनिया के मालिक को, और जानना है दुनिया को, और फिर आगे कहते हैं एक को पहचानना, एक को मानना, एक को जानना है। तो मानना है एक को, एक मालिक को, सबका मालिक जो एक है उसे मानना है, जिसके चलाने से ये जगत चलता है, जिसके चमकाने से सूरज चमकता है, जिसके बहाने से हवाएं बहती हैं, जो जलों में प्रवाह लाता है, जो फूलों को खिलाता है, जो सबके लिए अन्न उगाता है, जो पक्षियों के कंठों में माधुर्य भरता है, तितलियों के पंखों को रंगता है, और जो इस दुनिया में सबके जीने का एकमात्र जो आदि कारण है उसको मानना है। एक को मानना, एक को जानना, एक को पहचानना। तो पहचानना किसको? खुद को। तो ये सवाल मैं इसलिए दे रहा हूं आपको, क्यों धर्म यही बताता है कि आपको पांच चीजों को बार बार दोहराना चाहिए। तो पांच में हो गया कि एक को मानना है, एक को जानना है, एक को पहचानना है। तो पहचानना है खुद को, खुद हम कौन, वो जो देह लेकर आए और देह छोड़कर दुनिया से गए, वो जाने वाली चीज क्या थी? मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, वो जो चला गया वो क्या? वो जो चला जाए तो फिर शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। शरीर सुंदर, शरीर पवित्र तब तक जब तक इसमें आत्मा। मुर्दे को कोई छूकर भी हाथ धोएगा 10 बार
और अपने यहां तो कहा जाता है कि जहां जिस घर में मृत्यु हुई उस घर को के शुद्धिकरण में भी 10 दिन लग जाते हैं। तीसरे दिन तो हवन करके शुद्धिकरण करना ही होता है, लेकिन 10 दिन तो फिर भी लग जाते हैं। और वहां शमशान घाट में जाने के बाद भी आके आदमी को स्नान करना चाहिए। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली